और चलिए सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश जी, जिस तरीके से जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन की, हालांकि पहले भी एक बार कोशिश की थी लेकिन नहीं गए थे, प्रियंका गांधी ने मना लिया था, अगर हम उत्तर प्रदेश में इफेक्ट की बात करें, जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से कितना फर्क बीजेपी को पड़ेगा, कितना नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? देखिए, बात दो पार्ट में है कि कांग्रेस को कितना नुकसान होने वाला है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस पर चलता हूं। कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने जा रहा है और सबसे बड़ा नुकसान इस बात का है, इससे प्रियंका गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जब से इंचार्ज बनी है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को देख रही हैं, इस मामले को देख रही हैं, उनके दो सबसे बड़े सिपहसलार और भविष्य के नेता, एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इंचार्ज बनाया गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस पार्ट का, और दूसरी पार्ट का इंचार्ज खुद प्रियंका गांधी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए भारतीय जनता पार्टी में, जितिन प्रसाद ये भी एक भविष्य के नेता और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के समकक्ष, और जो भारतीय जो कांग्रेस का जो भविष्य कहा जाता था उसमें जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, ये सभी नेता हैं, सचिन पायलट, इनमें क्या किसकी स्थिति? ज्योतिरादित्य चले गए, जितिन चले गए, सचिन पायलट ने एक तरह से बगावत का रुख अख्तियार कर लिया था, वो जाते जाते रह गए थे, आरपीएन सिंह पर भी डोरे डाले जा रहे हैं, आरपीएन सिंह भी आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, मिलिंद देवड़ा जाते जाते रह गए थे, तो क्या बचा है कांग्रेस के पास? ये सवाल खड़ा होता है प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर। लोग कहते थे प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ, मुझे याद है अकबर रोड पर कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर ये नारे लगते थे कि प्रियंका गांधी आएंगी तो कांग्रेस बच जाएगा, लेकिन प्रियंका गांधी के नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे दिग्गज नेता, उनके समकालीन नेता जिनसे उनके व्यक्तिगत संबंध है, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा, ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी की कोटरी के, उनके समकक्ष, उनकी उम्र के ये नेता थे, ये साथ छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या है भविष्य? और मैं आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा आ गया है जितिन साथ के रूप में, शाहजहांपुर का इलाका हो, लखीमपुर का इलाका हो, और आसपास का जो पीलीभीत आसपास का जो इलाका हो, उसमें इनकी अपनी एक लीगेसी है। जितेंद्र प्रसाद जो इनके पिता हैं वो बहुत बड़े नेता कांग्रेस के रहे, वो दो प्रधानमंत्रियों के राजनीतिक सलाहकार रहे, राजीव गांधी के राजनीतिक सलाहकार 1991 में रहे, 1994 में नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, सोनिया गांधी से 2000 चुनाव में उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा कि कांग्रेस का अध्यक्ष सोनिया गांधी रहेंगे कि मैं रहूंगा, तो इस कद के वो नेता थे। और मुझे याद है जब नरसिम्हा राव की केंद्र में सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में नेता तो यूं बहुत सारे कांग्रेस के थे, लेकिन किसी एक नेता की चलती थी तो उसका नाम जितेंद्र प्रसाद है, जितेंद्र प्रसाद की लिगेसी है, और जितेंद्र प्रसाद भी बड़े कांग्रेसी नेता के बेटा थे, तो तीन पीढ़ियों की लिगेसी है, और आसपास के कम से कम 6-7 ऐसे जिले हैं जहां जितेंद्र प्रसाद और जितिन प्रसाद, जो उनके पिता जितेंद्र प्रसाद हैं, उनकी बहुत पकड़ थी, जितिन प्रसाद कि उस लीगेसी को संभाल रहे हैं। तो और साथ ही साथ कुछ दिन से पहले से, 2 साल पहले से, ये ब्रह्म चेतना संवाद नामक ब्राह्मणों के हित में एक संस्था चलाते थे, जहां जहां ब्राह्मणों के साथ तथाकथित तौर पर उत्पीड़न की खबरें आती थी कि उनकी हत्या कर दी गई, उनके घर जला दिए गए, उन्हें मारा गया, पीटा गया, तो वो जाते थे, पैसे से मदद करते थे। और ब्रह्म चेतना संवाद की जब स्थापना जितिन प्रसाद ने की थी तो कांग्रेस ने उससे किनारा कर लिया था, एक पैरेलल संस्था के तौर पर कांग्रेस ने कहा था कि उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, तो ये उनकी भूमिका लगातार चल रही थी अपने को बनाए रखने का, और ब्राह्मणों के बीच में वो काम कर रहे थे, तो ब्राह्मण बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल वीरेश जी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जितिन प्रसाद के पार्टी में आने से एक कुछ और कांग्रेसी नेताओं की चेतना जग सकती है क्या, कि वो भी अब बीजेपी का रुख करें? खासतौर से लखनऊ से जो प्रत्याशी थे प्रमोद कृष्णम, 2 दिन से बड़ी तारीफें कर रहे हैं भाजपा की, सीएम योगी की, और अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं।
जाहिर सी बात है, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अखिलेश यादव से साफ कहा है, ट्वीट करके कहा है कि जेब में लाल टोपी रखने से योगी का मुकाबला नहीं हो सकता, योगी तपस्वी हैं, योगी कर्मशील हैं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन का यह कहना, जब जितिन प्रसाद आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो प्रमोद कृष्णन भी आ सकते हैं, आरपीएन सिंह भी आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 की तैयारी शुरू कर दी है, भले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दिल्ली में अपने घर में एयर कंडीशन में बैठे हों, अखिलेश यादव अपने घर में बैठे हों, मायावती अपने किले में बैठे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का आगाज कर दिया है। और इसका आगाज मैं आपको बताऊं, कोरोना की समीक्षा के नाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मंडलों का दौरा था, यानी कोरोना से जब वो ठीक हुए यानी निगेटिव हुए, उसके बाद से लगातार जो योगी आदित्यनाथ का जगह जगह कोरोना के नाम पर दौरा है, वो एक तरीके से कोरोना के रूप में तो हम इस देख सकते हैं, समीक्षा बैठक के रूप में देख सकते हैं, लेकिन ये चुनावी तैयारियों का आगाज है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ये विपक्ष को समझना होगा, अगर नहीं समझेंगे तो उनको ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री केवल दौरा कर रहे हैं। नहीं भाई, बिल्कुल विपक्ष को बहुत कुछ समझना होगा। वीरेश जी हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और सियासी समीकरणों को समझेंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को सुना देते हैं कि जितिन प्रसाद ने जब सदस्यता ग्रहण की भाजपा की, क्या कुछ उन्होंने कहा, और सीधे रुक करते हैं विरोधी वीरेश पांडे का। वीरेश जी, अजय लल्लू कह रहे हैं कि कांग्रेस जमीन पर काम करती है, जितिन प्रसाद के जाने से कोई फर्क उनके दल पर पड़ना नहीं है। नहीं, अजय लल्लू के रहने से बहुत फर्क पड़ रहा है कांग्रेस में। जितिन प्रसाद की कोई लिगेसी नहीं है, जितिन प्रसाद की कोई हैसियत नहीं है, जितिन प्रसाद की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए जितिन प्रसाद जैसे लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अजय लल्लू दूसरी बार के MLA हैं, और जब कांग्रेस में आए हैं और उनको विधानमंडल दल का नेता बनाया गया है, तो लोगों ने उन्हें जानना समझना शुरू किया। 2004 में जो जितिन प्रसाद कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, 2008 में केंद्रीय मंत्री थे, फिर 2009 में चुनाव जीते, फिर केंद्रीय मंत्री लगातार बने रहे। जितेंद्र प्रसाद के वो बेटे हैं, जितेंद्र प्रसाद दो बार प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे और राजीव गांधी के सलाहकार रहे, उनको तो कोई जानता नहीं है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अजय लल्लू जैसे नेता बहुत ज़्यादा कांग्रेस का बचाव करेंगे और कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दिलाएंगी, ये सब कहने वाली बातें हैं। जितिन प्रसाद एक बड़े स्तंभ, बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में कर दी है, और मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। बीएल संतोष का लखनऊ दौरा भी वो 2022 की तैयारी थी, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ का मंडलों की समीक्षा भी 2022 की तैनाती है। अब संभलना हो तो संभल जाएं प्रियंका गांधी, संभलना हो तो संभल जाएं राहुल गांधी, संभलना हो तो संभल जाएं सतीश चंद्र मिश्रा, मायावती, संभलना हो तो संभल जाएं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, जिसको संभलना हो संभल ले। उत्तर प्रदेश में आगाज हो चुका है, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको अपनी पार्टी बचाना हो बचा ले, जिसको अपना नेता बचाना हो बचा ले। बिल्कुल, तो चुनौतियां कई हैं, दावे अपने अपने हैं, और इन सबके बीच रिएक्शन भी आ गया है कांग्रेस का। वीरेश जी हमारे साथ आप बने रहिए, यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी हुई है, फौरन हाजिर होते हैं। विषम परिस्थितियों में भी सभी नॉन कोविड